आज मैं अनबॉक्सिंग करने जा रही हूँ रियलमी बर्ड एयर 5 का। तो और इसका मैं रिव्यू भी दूंगी आपको बहुत अच्छी से कि कैसे कितना अच्छा है। इसकी जो बैटरी है वो 38 आवर्स की बैटरी है, तो ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि हम जनरली हेडफोन्स को चार्ज करना भूल जाते हैं, और 38 आवर मतलब बहुत ही अच्छा है। तो देखते हैं अभी इसका हम बॉक्स ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। इसके इसकी पैकिंग तो बहुत ही अच्छी से हुई है। इसके अंदर ये है एयरबड का बॉक्स आया है और इसका चार्जर भी आया है। चार्जर का मैं रिकॉर्डिंग करना मैं भूल गई थी, तो ये पैकिंग तो बहुत ही अच्छी तरीके से आई है। तो अभी इसको मैं ओपन करती हूँ। इसके अंदर आपको मिलेगा 2 हेडफोन्स एयरबड्स, बहुत ही अच्छे हैं, इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। चलिए अभी हम इसे निकालते हैं इसको, और ये देखिए ये कितना अच्छा है। दोनों लेफ़्ट और राइट के लिए बहुत ही अच्छा है। और जब मैंने इसको यूज़ किया था तो उसका एक चीज़ है कि जो एक्स्ट्रा नॉइज़ था वो नहीं आ रहा था, मतलब जो बैकग्राउंड नॉइज़ चलता रहता है वो सब नहीं आ रहा था। तो चलिए अब हम कनेक्ट करते हैं अपने फ़ोन के साथ। तो ये मैंने अपना आईफोन ओपन किया और इसकी ब्लूटूथ सेटिंग पे गई, और ब्लूटूथ ऑन करने के बाद आपको ब्लूटूथ ऑन करना पड़ेगा पहले, और ऑन करते से ही आ जाएगा रियलमी बर्ड एयर 5 का ऑप्शन। और जैसे ही आप अपना हेडफोन का जो बॉक्स है उसको आप ओपन करेंगे, फ़िलहाल तो नॉट कनेक्टेड दिखा रहा है, जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है। ये देखिए कैसे कनेक्ट लिखा हुआ आ गया है, तो ये ऐसे कनेक्ट हो जाता है, मतलब जैसे ही आप बॉक्स को ओपन करते हैं तो ये कनेक्शन का ऑप्शन आता है। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है आप, और ये बहुत ही सस्ता है रियलमी का, आप इसको प्रिफर कर सकते हैं लेना। और ये देखिए ये कनेक्टेड दिखा रहा है। अभी हम ऐसे ही प्रोडक्ट्स के रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग आपको देखना पसंद हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये वीडियो मेरा कैसा लगा आप वो भी बता सकते हैं। थैंक यू।